क्या डाउट है, एक तो उसने टाइम पीरियड बोला और भी क्या चल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लो फटाफट। चलो जो लोग कल लाइव लेक्चर में दे फटाफट छह चीज निकालना चालू करो। चलिए गाइस, ये क्वेश्चन में आपको जो चीजें फाइंड करनी है वो है एम्पलीट्यूड, पीक टू पीक एम्पलीट्यूड, आरएमएस वैल्यू फ्रीक्वेंसी। चलो पहले टाइम पीरियड निकाल लो, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ये छह चीजें निकालनी है। चलिए ठीक है, जो लोग लाइव लेक्चर में थे कल के वो निकालना स्टार्ट कर दे फटाफट। चलिए पे अटेंशन जो लोग पहली बार देख रहे हैं, देखो ये एम्पलीट्यूड या तो इस तरीके से लिखा होगा या तो यहां पर ऐसा लिखा रहेगा 4 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर आपको जो वैल्यू दी रहेगी ना ये आपका एम्पलीट्यूड है। क्या है? एम्पलीट्यूड है। वाई एक्सिस का जो वैल्यू दिया रहेगा वो क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, सो पहले वाले का आंसर तो आपको मिल गया, एम्पलीट्यूड कितना है 4 वोल्ट, कितना है 4 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है? चले अगला क्या है, पीक टू पीक। ये होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड।
क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड, तो कितना मिलेगा, 8 क्या वोल्ट। ठीक है, क्लियर है। हाँ चलिए, आरएमएस वैल्यू, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वीपी बाय रूट टू, है ना। कितना है वीपी, 4 वोल्ट, कितना है 4 वोल्ट, तो क्या मिलेगा 4 डिवाइडेड बाय रूट टू। कैलकुलेट कर लोगे, हाँ कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आएगा यूनिट क्या रहेगी, वोल्ट्स। ठीक है, हाँ 2 पॉइंट नहीं आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट टू, 2 रूट टू आएगा। हाँ मल्टीप्लाई करके बताओ ना कितना आया, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं ठीक है 2.828, हाँ 2.828। ठीक है, क्लियर है। हाँ चलिए, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड, ये कौन सा था, सी डी, टाइम पीरियड डिनोटेड बाय कैपिटल टी, एक कंप्लीट साइकिल में लगा समय इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम टेकन टू कंप्लीट फॉर अ कंप्लीट साइकिल। अब एक कंप्लीट साइकिल मतलब क्या, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये हो गया एक साइकिल। तो एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, 20 माइक्रो सेकेंड्स, तो यही क्या हो गया आपका टाइम पीरियड, 20 माइक्रो सेकेंड्स, दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू द पावर माइनस 6 सेकेंड्स। ठीक है, क्लियर है। हाँ चलिए, अगला निकालना है आपको क्या, फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू होता है 1/T, दैट इज 1/20 मल्टीप्लाइड बाय 10^-6, सो 1/20 कितना हो गया 0.05, है ना, 0.05, 10^-6 ऊपर जाके प्लस 6, मतलब कितना मिला 50 किलोहर्ट्ज। ठीक है, क्लियर है, यस, यहां तक किसी को कोई डाउट है, आगे बढ़ू। हाँ चलिए, लेमडा वेवलेंथ, लेमडा इज इक्वल टू होता है सी बाय एफ, क्या हो गया बेटा, जोक चल रहा है यहाँ पे, निकल जा बाहर, आराम से हंस ले वहां पे, फिर आना। पहला और आखिरी लेक्चर है बीडब्ल्यू का रिवीजन का, इसके बाद कोई लेक्चर नहीं लेने वाला हूं मैं। लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ, सी की वैल्यू क्या होती है, आगे मीटर पर सेकेंड, सी इज इक्वल टू होता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सी का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 50 किलोहर्ट्ज, है ना, सो क्या करोगे 3×10^8/50×10^3 किलो है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या मिला आपको, लेमडा, इसको सॉल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू मिलेगी किसमें मिलेगी, मीटर में मिलेगी, किसमें मिलेगी, मीटर में मिलेगी। ठीक है, चल क्लियर है, पक्का, चल हाँ बोल बेटा, नहीं लिया वो फोटो वाला ऑप्शन नहीं है, हाँ फोटो का ऑप्शन नहीं मजा कड़े, आणि हा सम कालच्या यूट्यूबला पण आहे, फक्त व्हॅल्यू डिफरंट आहे।
चलिए वही छह चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। क्या क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड, पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। अरे एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म में कोई मत लिख के आ जाना, पी डैश पी ए एम पी, है ना? हाँ, अरे हाँ एमसीक्यू है, लेकिन फिर भी उसकी आदत मत डालना, ठीक है ना। अगले सेमेस्टर में EXTC वाले कितने हैं? यहाँ नहीं आए, मतलब हो ना आप में से, है ना EXTC वाले? हाँ आओगे, मेरे पास ही आओगे। चलो RMS, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। चल छह चीजें फाइंड करनी है, क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए स्टार्ट सॉल्विंग। हाँ पहले चार चार से पांच लेक्चर में 200 पेज का रजिस्टर पड़ जाए।
से डिस्कस करो। चलो मिली है, माइक्रो के लिए न्यू लिखा रहता है। आपको स्केल पता नहीं है क्या? कितनों को स्केल नहीं पता है? अरे कितनों को स्केल नहीं पता है? चलिए मैं स्केल लिख रहा हूँ, फटाफट नोट डाउन कर ले। चलो डू इट फास्टर। अगर आपको कोई मिली दिखे तो इससे मल्टीप्लाई करना होता है। करना क्या होता है? इन नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है? अगर मेगा लिखा है तो 10^6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर माइक्रो लिखा है तो 10^-6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो वहां पर आपको ये वाले सिंबल्स दिखेंगे, तो इसका ध्यान रखना कैपिटल लेटर में है या स्मॉल लेटर में। अगर कैपिटल लेटर वाले हैं तो सारे प्लस पावर में है, स्मॉल लेटर में है तो सारे नेगेटिव पावर्स में है, ठीक है? चलिए एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पर? हा 6 क्या? यस एम्पलीट्यूड 6 वोल्ट, पीक टू पीक 12 वोल्ट, वेरी गुड। आरएमएस 8.485 वोल्ट। टाइम पीरियड क्या डाउट है बोलो ना। अरे टाइम पीरियड कितना है यहाँ? -3। ये कितना है? 20 मिलीसेकेंड है। कितना है? 20 मिलीसेकेंड है। मिली के लिए स्केल में देखो क्या है, मिली के लिए 10^-3 है ना? ये कितने के लिए दिया है? हाफ साइकिल के लिए दिया। आपको किसके लिए निकालना है? फुल साइकिल के लिए निकालना है। तो टाइम पीरियड विल बी 2 × 20 × 10^-3 विच इज इक्वल टू 40 × 10^-3 सेकेंड्स।
क्लियर है? अभी क्लियर है या अभी भी डाउट है टाइम पीरियड में? पक्का? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? हाँ बोल बेटा, क्या डाउट है? आरएमएस क्या आ रही है? 6 / √2 करना, ठीक है? आप लोगों ने बोली, मैंने थोड़ी लिखी वो काई के लिए 12। हाँ 4 पॉइंट कितना आया? ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन किया ना अभी, ये तो मैंने रेंडमली लिया है, ये एज इट इज एग्जाम में आया, आज के एज इट इज आया वैल्यू के साथ में, ये तो मैंने रेंडम उठाया, अभी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है। ये ले, ये भी पेपर ठीक ठीक गया तेरा पूरा का पूरा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है, अगर उतना ही करके जाता तो 60 नंबर आ जाते पूरे। चलो फ्रीक्वेंसी कितनी आई? बस 25 आई। हाँ ऐसा जरा पूरा बोलो ना। चलो वेवलेंथ, हाँ 12,000 कहाँ से आएगा? 3 / 25 कितना होगा? 6 zeros, ठीक है। चलो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, क्या करोगे? हाँ ये मीटर में है ना, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, कितने से करोगे? 1000 / 1000, ठीक है, तो 3 0 कम हो जाएंगे। फिर से 1000 से डिवाइड करो तो और 3 0 कम हो जाएंगे, मेगामीटर, ठीक है? क्लियर है? या 12,000 किलोमीटर, ठीक है, डन, क्लियर है अभी?
और कोई डाउट है किसी को, आगे बढ़ू? चलो, जेनर डायोड ना, सिर्फ जेनर डायोड या पूरा चैप्टर डायोड वाला? पॉसिबल नहीं है एक घंटे में. स्पेसिफिक स्पेसिफिक टॉपिक बोलो, वो मैं पढ़ा सकता हूँ. पूरा चैप्टर पॉसिबल नहीं है. वो चैप्टर पढ़ाने में मुझे एक हफ्ता लगा था, है ना? हाँ. और वो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 50 मिनट में खत्म कर दूँ. चल स्टार्ट, ट्राई कर तो जितना हो जाए देख लेना. सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. ठीक है, टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, बीच में अगर कोई डाउट याद आ जाए तो पूछ लेना. ठीक है, चलिए स्टार्ट करें. चलिए, व्हाट इज सेमीकंडक्टर? अ टाइप ऑफ मटेरियल हुज प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. इट इज नाइदर अ कंडक्टर नॉर अ इंसुलेटर. एट 0 degree Celsius इट इज एन परफेक्ट इंसुलेटर. एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस. क्लियर है? यस, सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्लियर है. अब इसमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यू में आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? अ मटेरियल विच इज नाइदर अ कंडक्टर नॉर अ इंसुलेटर. प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. एट 0 degree Celsius इट इज अ परफेक्ट इंसुलेटर. एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टू टाइप्स. कौन कौन से? इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक. इंट्रेंसिक मतलब क्या? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं. इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक. इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वो मतलब क्या? विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर. कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. क्लियर है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये दो ही होते हैं. ठीक है, चलिए. एक्सट्रेंसिक मतलब क्या? डोप्ड विथ इंप्योरिटीज. इंप्योरिटीज कौन कौन सी? ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट. वेरी गुड. ठीक है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है? वेरी गुड, एन टाइप. ठीक है, पी फॉर पेंटा लगा के मत आना. ठीक है, पी फॉर पेंटा लगा के मत आना. क्लियर? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी से कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर. और पेंटावेलेंट से एन टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप में मेजोरिटी किसकी होती है? होल्स की मेजोरिटी होती है. और एन टाइप में मेजोरिटी किसकी होती है? क्लियर है? यस, ये था आपका सेमीकंडक्टर का पूरा बेसिक. किसी को नोट डाउन करना है, आगे बढ़ू?
चलो हो गया डन। डन एवरीवन। चलिए चलिए नाउ मूविंग टू द पीएन जंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टू चैप्टर्स, ठीक है, ट्रांजिस्टर एज वेल एज द डायोड, ठीक है। चलिए पीएन जंक्शन क्या होता है, when we joint p type and n type semiconductor together forms the pn junction. अभी ये p type, उठो बेटा तुम तीनों उठो वहां से, उठो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो, उठो जल्दी तीनों, जल्दी उठ, लेके आ तेरा वो बाल बिस्तर सब लेके आ इधर आगे। चलो इधर बैठ यहां पे, बैठ इधर, बैठ वहां पे, वहां पे बैठ। चलिए व्हेन वी जॉइंट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर टुगेदर फॉर्म्स द पीएन जंक्शन। अब पी टाइप में क्या है, सारे होल्स है, क्या है, होल्स है, सॉरी, एन टाइप में क्या है, सारे तो एज सुन एज वी ज्वाइंट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या बनता है, पीएन जंक्शन बनता है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, जंक्शन लाइन है, ठीक है, क्लियर है, यस yes? अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन से कैसे है, नेगेटिवली चार्ज है, कैसे है, नेगेटिवली चार्ज, और होल्स कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या होगा, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट, वर्ड क्या है, ड्रिफ्ट, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट इन टू द पी रीजन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एन रीजन से ड्रिफ्ट करके कहां जाएंगे, पी रीजन में, ठीक है। अभी यहां से इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गए, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह वेकेंट करेगा तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव आयन बनेगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा, वेकेंट स्पेस बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, होल्स, क्या कहते हैं, होल्स, तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए है, जो प्लेस इलेक्ट्रॉन ने वेकेंट की है, वहां पर क्या जनरेट हो जाएंगे, होल्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव कर पाएगा क्या, क्यों, क्योंकि उसके दोनों साइड से क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यस yes? तो इलेक्ट्रॉन ना तो लेफ्ट जा पाएंगे ना ही राइट जा पाएंगे, ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन फर्दर यहां आ पाएंगे क्या, नहीं आ पाएंगे, ठीक है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ था जंक्शन के अक्रॉस, वो होना बंद हो जाएगा, यस yes? वो होना क्या होगा, बंद हो जाएगा, सो दिस विल क्रिएट द बैरियर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
This will create the barrier in the flow of electron. This is what we called as barrier region. क्या कहते हैं इसको? Depletion region कहते हैं. Sorry, barrier region नहीं, depletion region कहते हैं. क्या कहते हैं? Depletion region. This one is known as depletion region. क्या कहते हैं इसको? Depletion region. ठीक है. और अब देखो यहां पर नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट है और पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट है. यस yes, तो ये क्या बन जाता है? यहां पर क्या बन जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है. क्या बन जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस. ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल. क्या कहते हैं? बैरियर पोटेंशियल. सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.67 वोल्ट या 0.7 वोल्ट. और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.3 वोल्ट. ठीक है, क्लियर है? यस. यहां तक कोई डाउट है किसी को? किसी को कुछ नोट डाउन करना है? हो गया. चल नाउ द बायसिंग ऑफ द डायोड. ठीक है, बायसिंग मतलब क्या होता है? अप्लाइंग पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स. बायसिंग मतलब क्या? अप्लाइंग पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स. बायसिंग दो टाइप की होती है, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग. यह है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल. ठीक है, क्लियर है? दिस इज द सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है, अब अगर मुझे इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है तो पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव.
ठीक है। अगर मुझे इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है तो पी फॉर नेगेटिव एन फॉर पॉजिटिव, क्लियर है। दिस वन इज फॉर फॉरवर्ड बायस, दिस वन इज फॉर रिवर्स बायस, ठीक है। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से करंट का फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस में, करंट का फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। डन, यस। यहां पर आपकी डिप्लीशन रीजन क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। और यहां पर आपकी डिप्लीशन रीजन कैसी हो जाती है, वाइडर हो जाती है, ठीक है, क्लियर है, यस। अगर इसके लिए आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बनाओगे, बेटा खड़े हो जल्दी खड़े हो, और नील डाउन हो जाओ, वहां पे जल्दी नील डाउन हो, वहीं पे नील डाउन हो। हाँ, समझते हैं नील डाउन होना मतलब क्या होता है। हाँ, बहुत जगह है वहां पे, वहां नीचे नीचे जमीन पे, हाँ ऐसा, वेरी गुड। अगर इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए तो वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस के लिए बनेगी, किसके लिए बनेगी, फॉरवर्ड बायस के लिए। आइडियल केस की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, आइडियल केस की। प्रैक्टिकल केस में अलग होगी और आइडियल केस में अलग होगी, ठीक है। आइडियल केस में आपकी जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। किसके लिए होगी सिर्फ, हाँ सर ऐप पे भी है। आइडियल केस में किसके लिए होगी सिर्फ, फॉरवर्ड बायस के लिए। ये किसके लिए बनाया मैंने, सिर्फ फॉरवर्ड बायस के लिए बनाया, ठीक है। यहां पर आपका क्या होगा और यहां पर आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, कौन सा वेरिएबल होता है एक्स एक्सिस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमेशा कौन सा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट, दैट इज योर वोल्टेज और करंट विल बी ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कहते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वाले जो पॉइंट है जहां से आपका करंट ऊपर जाना चालू हुआ, ये है आपका 0.67 वोल्ट, किसके लिए, सिलिकन के लिए, किसके लिए, सिलिकन के लिए, या 0.3 वोल्ट किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। ये किस केस में, आइडियल केस में, किस केस में, आइडियल केस में। अगर मैं प्रैक्टिकल केस की बात करूं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये प्रैक्टिकल केस का ग्राफ है, ठीक है। रिवर्स बायस में भी आपका लीकेज करंट फ्लो होता है, क्या फ्लो होता है, लीकेज करंट फ्लो होता है, क्लियर है। रिवर्स बायस में आपका क्या करंट फ्लो होता है, लीकेज करंट फ्लो होता है, क्लियर। आइडियल केस में कोई करंट फ्लो नहीं होता, किसका इसमें, रिवर्स बायस केस में, किस केस में, रिवर्स बायस केस में, आइडियल केस में कोई करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकल केस में कौन सा करंट फ्लो होता है, लीकेज करंट फ्लो होता है, कौन सा करंट फ्लो होता है, लीकेज करंट फ्लो होता है, क्लियर है, यस। चलिए आगे बढ़ू, किसी को कुछ नोट डाउन करना है यहां से,
दिया सबका। चलिए ना बात करें अगर जेनर डायोड की, ठीक है, तो जेनर डायोड क्या है? स्पेशल पर्पस डायोड है। क्या है? स्पेशल पर्पस डायोड है, ठीक है। इसका सिंबल क्या करना है? जो पीएन जंक्शन का सिंबल बनाया ना, ऐसे ही बनाना है। सिर्फ वो जो स्ट्रेट लाइन की जगह पर क्या बनाना है? जेड बनाना है। क्या बनाना है? जेड बनाना है। ये हो गया जेनर डायोड। क्लियर है? यस। अब इसका भी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखे तो फॉरवर्ड बायस में ये नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह वर्क करता है। फॉरवर्ड बायस में कैसे वर्क करता है? नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह। मतलब यहां पर जितना आपने फॉरवर्ड बायस में लिखा है वो ऐसा कैसा किसमें आएगा? जेनर डायोड में आएगा। ऐसा कैसा किसमें आएगा? वो जेनर डायोड में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। ये किसके लिए हुआ? फॉरवर्ड बायस, सेम एज पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिवर्स बायस की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं हम? इसके रिवर्स बायस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब हम जेनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? यहां से करंट फ्लो होता है। पीएन जंक्शन में करंट फ्लो हो रहा था क्या? लेकिन जेनर डायोड होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि उसको बनाया ही इस तरीके से है कि वो रिवर्स बायस में वर्क करे। अगर मुझे इसको फॉरवर्ड बायस में वर्क कराना है तो मैं इसकी जगह क्या यूज करूंगा? पीएन जंक्शन डायोड यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? पीएन जंक्शन डायोड यूज करूंगा। सस्ता भी होता है और इफिशियंसी भी ज्यादा होती है। मैं जेनर डायोड कब यूज करूंगा? जब स्पेसिफिकली मुझे क्या चाहिए? रिवर्स करंट चाहिए। क्या चाहिए? रिवर्स करंट चाहिए। करंट मुझे कब चाहिए? जब डायोड कैसा हो? रिवर्स बायस में कनेक्ट हो। ठीक है, इसका यूज हम लोग करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। किसके लिए करते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? हाँ, आउटपुट वोल्टेज कॉन्स्टेंट मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए? कॉन्स्टेंट मिलना चाहिए। इनपुट पे कुछ भी चेंज हो, लाइन वोल्टेज चेंज हो या लोड वोल्टेज चेंज हो, लेकिन जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। बात करें जेनर डायोड के रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो अगर मैं जेनर डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कर्व बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, तो फॉरवर्ड बायस में कैसे वर्क कर रहा है? नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह। यस, हां, रिवर्स बायस में भी ये क्या करता है? करंट को अलाउ करता है फ्लो होने के लिए। अभी देखो यहां पर दो लाइंस है। ठीक है, जो पहली वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है आपके जेनर इफेक्ट को। किसको रिप्रेजेंट करती है? जेनर इफेक्ट को। और ये दूसरी वाली लाइन जो रिप्रेजेंट करती है वो करती है एवलांच इफेक्ट को। ठीक है, फर्स्ट वाली किसको रिप्रेजेंट करती है? जेनर इफेक्ट को, और सेकेंड वाली एवलांच इफेक्ट को। अब जेनर इफेक्ट क्या होता है और एवलांच इफेक्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेनर इफेक्ट मतलब क्या? जब हम डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस कनेक्ट करते हैं, जब डायोड को किसमें कनेक्ट करते हैं? रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? डिप्लीशन रीजन वाइडर हो जाती है ना। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है? आपस में कोलाइड होना चालू करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आपस में कोलाइड होना चालू करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में रिपल होगा, है ना, और वो क्या हो गए? मूव करेंगे किधर? टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे? टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, उसके कारण क्या इफेक्ट होता है? जेनर इफेक्ट, जिसके कारण हमको क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। कब मिलती है? आफ्टर द नी पॉइंट। आफ्टर द नी पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? नी पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है गाइज? नी पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इस रिवर्स वोल्टेज को, इस बैटरी की वैल्यू को बढ़ा दू, मान लो अभी 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है, इसको निकाल करके 20 वोल्ट की बैटरी लगा दू, तो क्या होगा? और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होना चालू हो जाएंगे। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कोलाइड हो गए तो क्या होगा, करंट भी, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाएगा तो करंट का स्पीड भी बढ़ जाएगा, फ्लो जो करंट है वो भी बढ़ जाएगा, फ्लो ऑफ करंट, इसे ही हम क्या कहते हैं, एवलांच इफेक्ट। क्लियर है? यस। एवलांच इफेक्ट कब होता है? जब हम रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। कब होता है? जब हम रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। क्लियर है? यस, पक्का? जेनर डायोड क्लियर है? हाँ, कुछ नोट डाउन करना है किसी को? चलिए डन। चलिए डन एवरीवन। चल मूविंग अहेड, अगला जो है वो है एलईडी और फोटो डायोड। ठीक है, अगर हम बात करें एलईडी की तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, बात करें फोटो डायोड तो ये इसका सिंबल है। ठीक है, एलईडी वर्क कब करता है? फॉरवर्ड बायस में। एलईडी कब वर्क करता है? फॉरवर्ड बायस में। फोटोडायोड कब वर्क करता है? रिवर्स बायस में। फोटोडायोड कहां वर्क करता है? रिवर्स बायस में। ठीक है, क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्लियर है? एलईडी कब वर्क करता है? जब उसको कब कहां कनेक्ट किया जाए? फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाए, तभी उसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा और वो ग्लो करेगा। ठीक है, वही फोटोडायोड के अक्रॉस आउटपुट कब जनरेट होगा? जब वो कैसे कनेक्ट हो? रिवर्स बायस में, और उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो। अगर उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट नहीं होगा तो वो आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? यस। और कुछ डाउट है इस चैप्टर में, या और कोई टॉपिक जो छूट गया आप लोगों को लग रहा है कि ये पढ़ा दीजिए, जितना शॉर्ट में मैं पढ़ा सकता था वो मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। हाँ, ये एलईडी है। चलिए फटाफट देखिए और फटाफट बताए और क्या बचा है। हाँ, एलईडी से क्या होता है? लाइट निकलता हुआ दिखता है ना, तो देखना भाई, एरो बाहर है ना। रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम करके जाना जरूर।
फिल्टर के तीन वर्क्स क्या है? तीन वर्क थे फिल्टर के, कौन कौन से थे? फिल्टर के तीन काम क्या थे? रिपल को रिमूव करना, वेवफॉर्म को स्मूथ करना और एसी कंपोनेंट्स को फिल्टर आउट करना, किसमें से? पल्सेटिंग डीसी में से। ठीक है, ये तीन काम थे फिल्टर के, याद रखना। कौन कौन से? रिपल रिमूवल, स्मूथनिंग ऑफ द वेवफॉर्म एंड रिमूवल ऑफ एसी कंपोनेंट्स फ्रॉम पल्सेटिंग डीसी। एनीथिंग एल्स? अरे और कुछ डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? और कुछ डाउट है? डन एवरीवन। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कुछ डाउट है? ओके गाइस, आई एम कंक्लूडिंग द सेशन। इलेक्ट्रिकल का चैप्टर वन, सॉरी, इलेक्ट्रिकल वाले सर पढ़ाएंगे। एनीवन, एनीथिंग एल्स फ्रॉम लास्ट थ्री चैप्टर्स? चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 में से किसी को कोई डाउट है? चलिए,